जब हम डेटा की डायमेंशनैलिटी की बात करते हैं तो हम दो चीजों पे फोकस करते हैं, हाई डायमेंशनल डेटा एंड लो डायमेंशनल डेटा। अब ये हाई डायमेंशनल डेटा या लो डायमेंशनल डेटा है तो यहाँ पे कंसेप्ट है विच इज वेरी वेरी कॉमन इन रिसर्च सर्कल, दैट इज कॉल्ड कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। अब ये कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी क्या है? होता यह है कि अगर जो हमारे पास डेटा है लो डायमेंशन में मौजूद हो तो उसको इंटरप्रेट हम आसानी से कर लिया हमने, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीजों को कवर नहीं कर पाता तो इसलिए हम उसे कन्वर्ट करते हैं हाई डायमेंशन में। लेकिन जैसे जैसे हाई डायमेंशन में हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं सो दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स, देयर इज अ कर्स। कर्स मींस कि उसमें काफी सारा नॉइज इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और इसी नॉइज की वजह से हम क्या कहते हैं कि ये जो है एक कर्स है डायमेंशनैलिटी का, कि जितना हाई डायमेंशनल डेटा होगा उतना ही वो नॉइजी होगा, उसको इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना, माइन करना टफ होगा। मूविंग ऑन, अब इसकी रीजन हमारे पास क्या है? रीजंस ये हैं कि अगर डेटा एक ही डायमेंशन में तो वो पैकेज है, एक पैक्ड है, उसको आप इजीली उठाकर एक जगह से दूसरे शिफ्ट कर सकते हैं, उस पर ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप उसे मल्टीपल डायमेंशन में लेके जा रहे हैं तो अब आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट डायमेंशन को भी अंडरस्टैंड कर सकें। कैसे नहीं कर पाएंगे? रीजन क्या होगी कि वो स्ट्रेच आउट होना होगा, खुलना शुरू होगा डेटा। एक डायमेंशन के डेटा को जब आप दो तीन डायमेंशन में लाएंगे तो उनके दरमियान डिस्टेंसेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और जो डिस्टेंस मेजर्स होंगे वो भी यूजलेस होना शुरू हो जाएंगे, कि उनके मानी जो हैं वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे। इसी चीज को मैंने बहुत ही छोटे से एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने ये बताया कि हमारे पास 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये जो नीचे यहाँ पर पड़े हुए हैं, और ये एक ही यूनिट के अंदर पड़े हैं, एक ही डायमेंशन में पड़े हुए। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हम ये 6 ऑब्जेक्ट्स को बता रहे हैं इन वन यूनिट, जो ये 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली ये जो था ये 1 डायमेंशन था, 1D लिख रहा हूं, ये 2D है और ये 3D है हमारे पास, जिसमें तीन डायमेंशन आ रही। तो अब हो क्या रहा है? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हो क्या रहा है कि जो 1 डायमेंशनल डाटा है वो सीधा सीधा है कि एक ही लाइन में हमारे पास मौजूद है, लेकिन जब 2 डायमेंशन में हम लेके जा रहे हैं तो ये डायमेंशन ए है, ये डायमेंशन बी है, तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की यहाँ पर क्या वैल्यू है और यहाँ पर क्या वैल्यू है। इसी चीज को जब हम मल्टीपल डायमेंशन में लेकर जा रहे हैं, सच एज जो ये डायमेंशन हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन ए ये है, डायमेंशन बी ये है, डायमेंशन सी ये है, इससे मुराद क्या है? ए बी और ये सी। अब यहाँ पर हमें क्या होगा कि इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ, यहाँ और यहाँ, या इस तरह हम कह सकते हैं तीन डायमेंशन में हमें देखना पड़ेगा। तो ऑल्दो जैसे हाई डायमेंशन में हम जाएंगे डेटा को रिप्रेजेंट करना बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इसकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसे कंप्यूट करना जो है वो अपने साथ नॉइज की चीजों को लेकर आएगा, जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अगेन कंप्यूटेशनल मेथड्स का सहारा लेना पड़ेगा।